David Evan, Chapter 3, Paratopic Hair Nodal Analysis. One of the systematic ways to determine every voltage and current in a circuit. The variables used to describe the circuit will be node voltages, the voltage of each node with respect to a pre-selected reference node. यानी ये node voltage जो है वो किसी भी node और एक जो reference node आप select करेंगे उसके दरमियान होगी. Reference node हम usually कहते हैं जो के जिसकी voltage हम assume कर लेते हैं कि ये 0 volt है. तो यूजुअली हम अगर प्रैक्टिकल सर्किट है तो उसमें जो नेगेटिव टर्मिनल है किसी डीसी बैटरी में तो उसको हम रेफरेंस नोड तसव्वुर करेंगे और उसके लिहाज से वोल्टेज मालूम करेंगे. ये एक एग्जांपल थी जिसमें पिछले चैप्टर में भी जिसमें कहा गया था कि आप तमाम वोल्टेजेस और करंट मालूम करें. तो इस केस में ऐसा था कि हमने सर्किट रिडक्शन टेक्निक से ये सारा कुछ मालूम किया था और सर्किट को रिड्यूस करके तो हमने इसको यानी बैक ट्रैक एक्चुअली किया था. तो ऐसा किया था कि हमने कि ये वोल्टेज गिवन थी तो हमने क्या किया कि सर्किट रिड्यूस करके बैक ट्रैक करके यहाँ पे रिड्यूस किया. यानी जब आपने रेजिस्टेंस मालूम करना है तो ऑपोजिट साइड से रैपिंग स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हम आ गए और हमने ये करंट I1 मालूम किया सोर्स करंट. तो हमने देखा कि 12 वोल्ट को सोर्स करंट क्या जा रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, मैच करनी चाहिए. तो यानी जो वैल्यू यहाँ पर आएगी जो कि यहाँ पर 1 mA है तो ये I1 हमें मालूम हो गया 1 mA है. यहाँ से हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया रेजिस्टेंस के साथ तो वोल्टेज मालूम होगी ये वाली. तो अब ये वाली वोल्टेज मालूम करनी थी तीसरी. तो ये इस लूप में लगाऊंगा तो एक इक्वेशन एक अननोन तो वी ए मालूम हो जाएगी. तो यहाँ ओम्स लॉ लगाऊंगा ये वाला करंट मालूम हो गया. दो करंट्स मालूम है तो ये इस नोड पर ये तीन करंट्स हैं तो एक इक्वेशन एक अननोन तो ये करंट मालूम हो गया. इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो वोल्टेज मालूम हो गई. तो ये वोल्टेज मालूम है तो ये वोल्टेज मालूम होगी. तो फिर ये तीसरी वोल्टेज जो है वो अननोन है तो ये एक ही के वी एल लगाएंगे तो एक इक्वेशन एक अननोन. इस वोल्टेज से आपने ये करंट मालूम करना है ओम्स लॉ लगा के. तो इस नोड पे अगर ये करंट मालूम है ये करंट मालूम है आई फोर तो ये आप तीसरा अननोन करंट मालूम कर सकते हैं. और फिर इस करंट से इस रजिस्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वोल्टेज मिल जाएगी. इसी करंट को ही क्योंकि इसमें भी आ रहा है तो वी ए मिल जाएगी. तो आप तमाम वोल्टेजेस और करंट मालूम कर सकते हैं इस बैक ट्रैकिंग मेथड से. लेकिन अब हम नोडल एनालिसिस देखेंगे. हमने सबसे पहला काम किया कि एक रेफरेंस नोड रखी और फिर हमने क्या किया. ये चूंकि इसकी रोटेशन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इसकी खास वजह है मैं इसलिए इन नोड्स के नाम तब्दील करता हूँ. इसको ए इसको बी कहता हूँ और इसको सी कहता हूँ और ये जो है इसको डी कहता हूँ. ये मैंने इसलिए चेंज किया कि मैं यूजली जो नोटेशन है बुक में भी और ज़्यादातर जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ वो इसी तरीके से करता हूँ कि जो नोड है इस नोड के और ग्राउंड के दरमियान वोल्टेज को मैं इस नोड वोल्टेज तस्वर करता हूँ. तो अगर ये 3 है तो मैं अगर इसको V3 तस्वर करूँगा तो वो ऑलरेडी यूज हुआ हुआ है. लिहाजा इस बुनियाद पे जो इसने वैल्यू पर सेट किए हुए वोल्टेजेस के V1 V3 V5 V2 भी यहाँ पे कहीं होगा मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा. तो इसलिए मैं इनके नाम ABCD रख लेता हूँ वरना मैं ऑब्वियसली जो नोड के नाम रखूँगा तो वो बीच के वेरिएबल्स के नाम नहीं रखूँगा. एनी हाउ वी ए जो है वो वोल्टेज अब जब आपने नोड्स को आइडेंटिफाई कर लिया ये नोड जैसे कि रिकॉल कर दूं मैं कि नोड जो है कहीं जहाँ पे भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आके मिलते हैं वो नोड है. तो इस नोड पे जो वोल्टेज है वो नोड वोल्टेज है और नोड वोल्टेज पीछे हमने डिफाइन कर ली थी कि इस नोड के और ग्राउंड नोड के दरमियान है. फर्स्ट हमने ये ग्राउंड नोड सेलेक्ट कर लिया जिसका मतलब है कि ये 0 वोल्ट है और सारी वोल्टेज इसके लिहाज से आप मालूम करें. तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आपके पास एक वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर का जो ब्लैक टर्मिनल है वो यहाँ पर है और वोल्ट मीटर का जो रेड टर्मिनल है वो यहाँ पे है और इनके दरमियान वोल्ट मीटर आपको वोल्टेज डिस्प्ले कर रहा है. तो ये नोड वोल्टेज इसके दरमियान है. इसी तरह इसके और ब्लैक जो टर्मिनल है इसके दरमियान ये नोड वोल्टेज है. इस नोड और इसके दरमियान जो वोल्टेज है वो वोल्ट मीटर डिस्प्ले करेगा. रेड वोल्ट मीटर का टर्मिनल यहाँ पर रखें और ब्लैक यहाँ पर रखें तो ये नोड वोल्टेज होगी इन दो पॉइंट्स के दरमियान. तो वो फर्स्ट करें जो मीटर ने डिस्प्ले की ये चूँकि VB इसने कहा तो उसको मैं VB कहूँगा और ये VC है और इसको ऑब्वियसली VD कहूँगा. तो वोल्टमीटर ने जो डिस्प्ले किया मुझे V और वैसे जो आप नोटेशन देखें तो इसको मैं यूँ कहूँगा कि ये इसको मैं BCD इसको E कह दूँगा. मैं कहता हूँ कि VAE जो है वो एक नोड वोल्टेज है और ऑब्वियसली दूसरी नोड वोल्टेज B और E के दरमियान है और तीसरी नोड वोल्टेज C और E के दरमियान है और चौथी जो है वो D और E के दरमियान है. तो ये नोड वोल्टेज है. सो दीज 4 आर नोड वोल्टेजेस. तो नोड वोल्टेज डिफाइन होगी कि ये एक्चुअल किसी नोड और ग्राउंड नोड के दरमियान है. तो चूंकि ये
ई ग्राउंड है या जीरो वोल्ट्स है, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते कि हम ये कहते हैं कि जब दूसरा सबस्क्रिप्ट ना हो नोडल एनालिसिस में, तो इसका मतलब ये है कि वो ही नोड वोल्टेज है और ऑटोमेटिकली जो है वो दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है। तो जैसे वी बी ई है, तो मुझे पता है बी और ई के दरम्यान एक 6 किलो ओम है, तो इसका मतलब है ये वी बी ई है या वी बी है। सो सी है, तो इसका मतलब है कि सी दूसरा टर्मिनल बाय डिफॉल्ट ग्राउंड है, तो वी सी ई मालूम करूं, तो वी सी ई एक्चुअली वी सी है और ये इसके दरम्यान है। डी जो है और ई के दरम्यान जो वोल्टेज है वो वी डी है, तो मैं ये कहूंगा कि ये वी डी है। तो ये फर्दर आप कंप्रिहेंड कर सकते हैं इससे। और वी वन और वी थ्री और वी फाइव फर्दर वोल्टेजेस हैं जो इन दो टर्मिनल्स के दरम्यान है, इसको भी हम एक दफ़ा सेट कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि वी ए और ये नोटेशन कैसे आई, एक जनरल वोल्टेज है किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस, वो उसकी जो हाई टर्मिनल पे जो वोल्टेज है माइनस जो उसके लो पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वो किसी भी हाई माइनस लो जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज है। जैसे कि वोल्ट मीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता है। तो फर्ज करें इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वोल्टेज जो कि पॉजिटिव टर्मिनल पे है माइनस जो कि वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल पे है, इनका डिफरेंस आपको वोल्टेज या वोल्ट मीटर आपको दिखाता है। तो अब जैसे मैं इसको देखता हूँ वी ए ई, वी ए कैसे है, वी ए ई जो है वो वोल्ट मीटर ए और ई के दरम्यान है, तो वी प्लस पे जो वोल्टेज है, पॉजिटिव पे जो वोल्टेज है वो एक्चुअली प्लस होनी चाहिए, यानी ये जीरो है तो ऊपर जाए तो ये 12 होना चाहिए, तो वी प्लस और बाय डिफॉल्ट 12 हो गया, अंडरस्टूड है। हाइट की तरह है वोल्टेज, तो आप भी अगर जीरो है तो 12 फुट ऊपर जाएं तो आप यहाँ पे 12 फुट पे आ जाएंगे, छत पे फॉर एग्जांपल आ सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जीरो वोल्ट है तो 12 वोल्ट ऊपर, ये जो डिस्प्ले है इससे ऊपर 12 जाएं तो इसका मतलब ये 12 हो गया, तो 12 माइनस जो लो वोल्टेज है वो जीरो है, तो 12 माइनस 12, सो वी ए ई इज इक्वल टू 12 वोल्ट, जो कि एक्चुअली वी सोर्स भी इसको हम कह रहे हैं, जो कि ऑलरेडी इसने यहाँ पर लिखी हुई है। तो दूसरी जीरो हो तो हम डायरेक्टली वी ए ही डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे वी ए है या वी एस है, जैसे यहाँ वी एस लिखा हुआ है। सिमिलरली हम इन तो ये जो ए और बी के दरम्यान एलिमेंट हैं, सो जैसे वी ए बी है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि जो हाई पे इस पे पॉजिटिव पे जो वोल्टेज है वो वी एस है, और जो नेगेटिव पे है वोल्टेज वो क्या है, वी बी है। सो ये वोल्टेज है ए बी और डी के दरम्यान, इसका नाम उसने वी वन रखा हुआ। मैं इसको एक दफ़ा आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों ऐसा मैंने लिखा है। तो मैं फ़र्ज़ करें इस ये जो लूप है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें मैं के वी एल लिखता हूँ, तो अगर मैं इसमें के वी एल लिखूँ तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ माइनस, इसके लिए ये मालूम कर रहा हूँ, माइनस हिट किया तो माइनस लिखिए के वी एल लिख रहा हूँ, नेगेटिव हिट किया और 12 वोल्ट है, फिर मैं आगे गया तो यहाँ मुझे पॉजिटिव टर्मिनल नज़र आया प्लस वी वन, फिर मैं यहाँ नीचे गया तो प्लस ये वी बी है इज इक्वल टू जीरो है, तो वी वन जो है वो वोल्टेज वी वन, 12 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस 12 को प्लस 12 हो जाएगा माइनस वी बी। तो आप देख सकते हैं कि जो वी वन है इस फॉर्मूले के मुताबिक मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहूँ, ये मैंने केवीएल से लिखा है, बजाय इसके कि आप लूप आइडेंटिफाई करें और के वी एल बार बार लिखते जाएं और आप कहीं वी वन 12 माइनस वी बी है, मैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ, वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट, इस केस में वो वी वन या वोल्टेज अक्रॉस 9K मालूम करना चाहता हूँ, जिसको हम नाम दिया हुआ है वी वन का, वो बराबर है पॉजिटिव पे जो वोल्टेज है नॉट वोल्टेज वो क्या है वी ए जो कि 12 वोल्ट है, माइनस जो नेगेटिव पे वोल्टेज है वो V है, सो दिस इज VB। तो आप देख सकते हैं कि V1 इज इक्वल 12 माइनस VB, तो V1 इज इक्वल 12 माइनस VB। तो बार बार ये KVL आपको लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इस जनरल फार्मूले को याद रखें, सो दिस इज द जनरल फार्मूला टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस एनी एलिमेंट एंड और सबस्क्रिप्ट नोटेशन हो तो ऑब्वियसली पहला जो टर्मिनल है वो हाई होगा, दूसरा लो होगा। और सिमिलरली अगर B और A मालूम करूंगा तो ये दिस 3 वोल्ट माइनस बी एस, तो ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका आप ये कह सकते हैं कि वी ए बी जो मालूम किया आपने वो 12 माइनस VB है, तो इस सिमिलरली वी बी ए जो है वो माइनस सॉरी वो वी बी माइनस 12 होगा, तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा ये पॉजिटिव आएगा, तो आप कह सकते हैं कि इन जनरल वी ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी बी ए।
यहां पे मैं सिर्फ इसका जो ड्रिल क्वेश्चन है इसका आंसर दे देता हूं। ये कह रहे कि VCA क्या है, मैं यहां पे ढूंढता इसका VCA है और इसका A क्या है, A ये है। तो अब हमें यहां पे अगर आप देखना चाहें तो मुझे जरूरत है उसकी वोल्ट मीटर की। VCA का मतलब है कि मैं एक टर्मिनल जो पहला टर्मिनल, ये इसका मतलब मुझसे पूछ, पहला टर्मिनल जो VC है और दूसरा VA है। तो VC में देख लिए क्या है, VC is 3/8 और दूसरा क्या है VA which is actually 3, तो -3 is equal to नीचे 8 होना चाहिए तो मैं 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, ये 3 - 24 बन जाएगा, तो ये -21/8 वोल्ट्स है VCA। VAC क्या था, तो A में से C मालूम करता। मैंने क्यों लूप नहीं लगाया, डायरेक्ट वही जो मैंने आपको मेथड बताया वो इस्तेमाल किया, इसलिए कि अगर आप ये KVL लगाएंगे इस लूप में, मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ, अगर आप इस लूप में KVL लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड VCA। तो चूंकि मैं अब यहाँ पे बहुत सारे काम कर सकता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, इसी जो मैंने लूप हाईलाइट किया, अब क्लॉकवाइज जाना चाहूँगा, लेकिन क्लॉकवाइज इसलिए नहीं जा रहा कि सी ए ये है, अभी अब जा भी सकता हूँ मैं, इस पहला टर्मिनल सी है तो इसका मतलब एरो नोटेशन अगर यूज़ करूँ तो सी पे पहला टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव होगा और टेल नेगेटिव टर्मिनल होगा, सो बाय डिफॉल्ट ये नेगेटिव है और हेड पॉजिटिव है, मैं लिखता नहीं होता लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह लिखें। यहाँ पे आप देखें तो प्लस माइनस, ये वोल्टेज क्या है जो ए और ग्राउंड के दरमियान है, तो दिस इज वी ए, तो माइनस वी ए, और यहाँ पे सी है तो सी इसके और ग्राउंड के दरमियान है, तो ये माइनस ए प्लस माइनस, ये वी सी है तो माइनस वी ए, फिर ये नेगेटिव, पहले मैं नेगेटिव टर्मिनल आया और ये वोल्टेज क्या थी वी सी ए, इसका नाम वी सी ए है, और प्लस वी सी इज इक्वल टू जीरो, तो वी सी ए उधर ले जाएं, वी सी ए इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा, एवेंचुअली वी सी ए इज इक्वल टू वी सी माइनस वी ए हो जाएगा, सो दिस इज एक्चुअली सेम एज दिस वन। और हम बजाय इसके केवीएल लगाएं डायरेक्ट, हम कहते हैं कि वी सी ए का मतलब है कि एक वोल्ट मीटर रखती है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल सी पे है नेगेटिव टर्मिनल ए पे है, तो इधर आप वोल्ट मीटर का सहारा लेंगे, वो जो वोल्टेज है इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो क्या है एक्चुअली ये और ये इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस में पहले क्या आएगा जो पॉजिटिव पे और बाद में कौन सा है जो नेगेटिव पे, सो दिस इज दी होल आइडिया। अब ये बात इसने इस एक एलिमेंट लिया है, कोई भी एलिमेंट है और इसके एक नोड, इसके साथ एक नोड एडजेसेंट ये है और दूसरी नोड ये है और रेस्ट ऑफ द सर्किट के साथ इस नोड से कनेक्टेड है राइट साइड पे, और यहाँ पे लेफ्ट साइड से किसी लेफ्ट साइड पे जितना भी रेस्ट ऑफ द सर्किट है उसे नोड एम से कनेक्टेड है, नीचे ग्राउंड नोड है, तो हमें जो नोटेशन मैंने इस्तेमाल किया है कि जो भी नोड होगी उसके और ग्राउंड के दरमियान वोल्टेज क्या होगी, इसका नाम रखते हैं वी एम, और आप यूं भी कह सकते हैं, और जो एन और ग्राउंड के दरमियान वोल्टेज है वो क्या है, माई प्लस माइनस वी कैपिटल एन। अब रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या है, रेजिस्टर का पॉजिटिव टर्मिनल किस पे है, वी एम पे, रेजिस्टर का नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या है, वी एन माइनस वी एन, ये क्या है वोल्टेज अक्रॉस दैट रेजिस्टर, तो ये आप देखने यही फॉर्मूला है, और आपने यही हर एलिमेंट पे जहां भी जब भी नोडल एनालिसिस लगाएंगे उन सब पे यही अप्लाई करेंगे। और ओम्स लॉ अब डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं कि जब आपको पता है कि रेजिस्टर के क्रॉस वैल्यू क्या है, ओम्स लॉ क्या है, आई इंटू आर, तो आप आर आई मालूम करना चाहें तो ये आर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो इसके बजाय तो आई इज इक्वल टू वी एम माइनस वी एन ओवर आर, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि इसमें जो करंट है वो वी एम माइनस वी एन डिवाइड बाई आर है, वही बात है ओम्स लॉ आपने लगाया तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है करंट ये है तो ये पोलैरिटी ये होगी, तो दिस इज वी एम माइनस वी एन, वी एम माइनस वी एन इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, यानी ये जो है ये जो चीज है दिस इज इक्वल टू वी आर। तो अब आई इज इक्वल टू जो वोल्टेज है रेजिस्टर के क्रॉस वी आर जो कि वी एम माइनस वी एन है डिवाइड बाई आर, तो आप डायरेक्ट ओम्स लॉ लिख सकते हैं दिस आई इज इक्वल टू ये जो पॉजिटिव पे वोल्टेज है वी एम माइनस ये जो नेगेटिव पे वोल्टेज है वी एन डिवाइड बाई आर। करंट की रेफरेंस डायरेक्शन उल्टी होगी,
तो ये पोलैरिटी फ्लिप हो जाएगी, या आप ये कह सकते करंट यूं जा रहा है तो वी एन माइनस वी एन डिवाइड बाय आर। सो पैसिव साइन कन्वेंशन रूल के मुताबिक ये जो करंट्स हैं, जो इस ये करंट जा रहा है इसका नेगेटिव है। डीलिंग डिफाइनिंग द रेफरेंस नोड इज वाइटल। रेफरेंस नोड जो है, वरना वी वन का कोई भी मतलब नहीं है कि नोड वोल्टेज वी वन क्या है, वी टू क्या है। तो वी टू वन फोर है, वी टू माइनस टू है, दिस डजेंट मेक एनी सेंस बिकॉज वी डोंट नो किसके लिहाज से ये फोर है। दिस इज आपको एक ग्राउंड नोड मीनिंगलेस, नोड वोल्टेज मीनिंगलेस है जब तक कि हम रेफरेंस सेलेक्ट न करें। तो रेफरेंस हमने सेलेक्ट किया, अब इसका मतलब यह है कि वन और थ्री के दरमियान वोल्टेज क्या है, फोर वोल्ट। तो प्लस माइनस वी वन इज इक्वल टू फोर वोल्ट यहाँ पे लिख देंगे। तो टू और ग्राउंड वो भी यही है, प्लस माइनस ये माइनस टू वोल्ट। तो ये वी टू इज द वोल्टेज बिटवीन द नोड टू एंड द ग्राउंड। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि नोड वोल्टेजेस बताते खुद जो है उसका कोई भी मतलब नहीं निकलता जब तक हम रेफरेंस नोड की बात ना करें। सो अब ये चूंकि इसने सवाल पूछा है तो हम इस सवाल का जवाब देते हैं यहां से समझ के कि वी वन टू क्या है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि बजाय इसके आप यहां पे केवीएल लिखें, आप लिखेंगे वी वन टू इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू। वी वन क्या है, नोड वोल्टेज बिटवीन वन एंड ग्राउंड विच इज फोर, और माइनस वी टू क्या है, नोड वोल्टेज बिटवीन टू एंड ग्राउंड विच इज एक्चुअली टू वोल्ट्स। तो इसलिए 4 माइनस टू इज एक्चुअली 2 वोल्ट। सो वी वन इज टू इज इक्वल टू 2। नोड एनालिसिस स्ट्रेटेजी ये है, हम स्टेप्स डिफाइन कर देता हूँ दोबारा से। नोड एनालिसिस में जैसे कि पहला स्टेप है कि इस तमाम नोड्स को नाम दें और एक रेफरेंस नोड सेलेक्ट कर लें। दोनों काम एक ही प्रोसेस में कर दिया आपने। ये यहाँ पे ये नोड्स थी, पहली नोड, दूसरी, तीसरी, चौथी, और फिर उसने कहा कि आइडेंटिफाई नोन नोड वोल्टेज। अगर देखता हूँ मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि ये अगर जीरो है तो कोई वोल्टेज सोर्स को ढूंढना पड़ेगा आपको। कि और ग्राउंड नोड की सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी है कि ग्राउंड नोड हमेशा हम वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एक ऐसे सर्किट में। इस सर्किट की बात तो अलग है, लेकिन जहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज होंगे तो हम कोशिश ये करेंगे ग्राउंड नोड वहाँ पे सिलेक्ट करें जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेज आके मिलें, क्योंकि उससे हम अभी हम देखते हैं उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। नॉन वोल्टेज देखता हूँ, ये 12 है, नीचे जीरो है, जीरो से 12 ऊपर जाऊं तो वी एस ऑटोमेटिकली मालूम होगी कि 12 वोल्ट है। तो ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया जैसे इसने सर्कल कर दिया। और एट ईच नोड विद अननोन वोल्टेजेस राइट ए केसीएल इक्वेशन, फॉर एग्जांपल सम ऑफ द करंट लिविंग इज इक्वल टू जीरो। हम यही हमेशा स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे। तो अब होता यह कि जितनी अननोन्स हैं, जैसे इसमें अननोन क्या है, वी ए, वी बी, वी सी, जो दूसरे आई टू आई फोर वगैरह वो अभी हम हमारा कंसर्न नहीं है। हमने जो नोड वोल्टेजेस में नोड्स हमारे जो हैं, नोड वोल्टेजेस नोडल एनालिसिस में नोड वोल्टेजेस हमारा हमारे अननोन है। सो वी ए, वी बी, वी सी। तो अब आपने क्या करना है, इन तीन इक्वेशन चाहिए और इन तीन इक्वेशन के लिए हम तीन के सी एल से हम लेके आएंगे, या तीन इक्वेशन होंगी तीन अननोन, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। वंस वी नो के ये नोड वोल्टेजेस क्या है, फिर उसके बाद हम आई वन भी मालूम कर सकते हैं, आई टू भी, वी ए भी, वी बी, वी सी भी, एक्चुअली वी ए ही एक्चुअली वी, ये नोड वोल्टेज ही इसके क्रॉस है, ये इस बी वोल्टेज जो है ये इसके क्रॉस है और ये सी इसके क्रॉस है। तो अब मैं यहाँ पे मैं खुद इसको सॉल्व करता हूँ। सोल्यूशन नीचे लिखा हुआ है लेकिन हम इसको अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। अब मैं कहता हूँ जी के सी एल, ये नोड इज एट नोड ए, सारे करंट लीव कराएंगे, जो एक्चुअल अननोन है उनको हम फिलहाल वी विल फॉरगेट अबाउट दैम। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, इस लेफ्ट साइड पे करंट क्या जा रहा है, वी ए माइनस वी एस, वी एस एक्चुअली गिवन है तो आप उसकी वैल्यू डाल दें, डिवाइडेड बाय 9k। ये करंट लेफ्ट साइड पे जा रहा है वी ए सॉरी, प्लस नीचे जो करंट जा रहा है वी ए माइनस जीरो बाय 6k, वी ए माइनस जीरो बाय 6k। फिर राइट साइड पे इस नोट से सारे, यानी आपने सारे करंट्स लिखने, सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग इज इक्वल टू जीरो। तो एक दो और ये तीसरा ये, तो ये आ गया जी वी ए माइनस इसके क्रॉस वी थ्री के क्रॉस क्या है, ए माइनस बी, वी ए भी है तो वी ए माइनस वी बी डिवाइड बाई 3k इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम थोड़ा सा इसी स्टेप में मॉडिफाई कर लेते हैं कि 9k से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये आ गया वी ए माइनस 12, और ये 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो ये 1.5 बनता है। तो 1.5 प्लस 1.5 वी ए, 3 3s are 9, तो प्लस 3a 3va माइनस 3vb इज इक्वल टू जीरो।
तो इसको आप सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लें तो 3, 4, 5, 5.5 VA माइनस 3 VB इज इक्वल टू 12। तो इसको मैं A का नाम दे देता हूं। इसी तरह KCL एट B, लेफ्ट साइड पे करंट है VB माइनस VA डिवाइडेड बाय 3 के, VB बाय 4 के प्लस VB बाय 4 के, अज्यूम ये करने के सारे करंट लीव कर रहे हैं, तो लीव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पैसिव साइन कन्वेंशन यहाँ पे इनको आपने छोड़ दें फिलहाल, जो अननोन है। अब बल्कि आप अपनी आसानी के लिए कह सकते हैं कि जब भी आपको नोडल एनालिसिस का प्रॉब्लम आए, जो भी अननोन वगैरह दिए हुए, आप दोबारा सर्किट बना के उन सब अननोन को खत्म कर दें और सिर्फ रजिस्टर और वोल्टेज सोर्सेज या करंट सोर्सेज उनकी वैल्यू लिखें और अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर दें ये वाला। तो VB ओवर 4 के नीचे वाला करंट है VB माइनस VC प्लस VB माइनस VC ओवर 9 के इज इक्वल टू 0। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी थी कि आप जब भी जिस नोड पे हो आप समझें कि वो एक पीक है और फिर उसके साथ एक और पीक है और एक और पीक है। जब आप इस पीक पे हैं तो आपने यहाँ से लीव करना है, तभी आप यहाँ से जा सकते हैं। सो व्हेन एवर यू आर हेयर सो यू आर हेयर, और यहीं से आपने जाना होगा। जाहिर बात है जब आप अगली नोड पे पहुंचेंगे तो कहीं और आपने जाना, यू हैव टू लीव दैट नोड। सो इसलिए अजम्पशन ये कि लीविंग से क्या होता है, यू आर हैट हाई पोटेंशियल और इसीलिए लीविंग जो है वो ये जो जहाँ जिस नोड पे है, तो आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, बल्कि पहले दूसरी भी लिख देता हूँ फिर आपको, बल्कि यहीं से कर लेते हैं। जब आप नोड ए पे हैं तो VA इज पॉजिटिव, VA इज पॉजिटिव, VA इज पॉजिटिव। जब आप नोड बी पे हैं तो नोड बी इज पॉजिटिव 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 बिकॉज यू आर एट हाई पोटेंशियल, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। सिमिलरली अब आप लिखेंगे उस पर KCL एट सी नोड सी, तो VC माइनस, अब आप इस पीक पे हैं सो VC माइनस VB ओवर 9 के, VC ओवर 3 के प्लस, तो इसको 9 के से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा VC इज इम्प्लाइज VC माइनस VB प्लस 3 VC इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है, मैं इसको तरतीब से लिखता हूँ, माइनस VB प्लस 4 VC इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सी है। इसी तरीके से इस इक्वेशन को भी आप इस कैल्शियम से मल्टीप्लाई कर दें, ज़्यादा बेहतर है। तो ये 12 है, 12 नहीं है, ये 349 का एलसीएम आता है, 9 × 2 = 18 इसे नहीं होता, 9 × 3 = 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36K से। सो 3 × 12 = 36, सो 12 VB इम्प्लाइज 12 VB माइनस 12 VA, और ये 4 × 9 = 36 प्लस 9 VB प्लस 9 × 4 = 36, तो प्लस 4 VB माइनस 4 VC इज इक्वल टू 0। तो आप पहले A को कंप्यूट करें, माइनस 12 VA और VB को देखें तो 12 × 9 = 21 और 4 = 25 और 4 से ये माइनस 4 VC इज इक्वल 0। तो आप देख सकते हैं कि दो एक इक्वेशन, इसमें ए बी अननोन है, इसमें ए बी सी अननोन है, बी सी, तो तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, आपकी मर्जी सब्सटीट्यूशन से करें, मैट्रिक्स से करें, रो एशलन मेथड से करें, रिड्यूस करें, तो इट्स अप टू यू। वंस यू हैव फाइंड दीज नोड वोल्टेजेस, तीन जब नोड वोल्टेजेस मालूम कर लेंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो जैसे यहां पे इसने भी नहीं मालूम किया, लेकिन आप नोड वोल्टेजेस मालूम कर लेंगे तो वो यहां पे जब फर्ज करेंगे कोई नोड वोल्टेज आ गई वैल्यू, यहाँ पे दूसरी भी मालूम होगी, तीसरी भी मालूम होगी। अब आप इजीली I1 मालूम कर सकते हैं, I2 मालूम कर सकते हैं, I3 मालूम कर सकते हैं, I5 मालूम कर सकते हैं। हमने जो अजम्पशन यूज़ किया उसमें सारे करंट लीव करें, तो ऑब्वियसली आप इसमें यूँ आप कोई भी अजम्पशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टिक टू दी अजम्पशन विच इज ऑल द करंट्स आर लीविंग द नोड। आपके पास सिर्फ करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स हमने देखा था कि एक एडवांटेज था, लेकिन करंट सोर्स का खास एडवांटेज नहीं होगा। यू जस्ट सिंपली राइट थी किसी इक्वेशन, जैसे अब मैं आपको यहाँ पे मैंने कहा कि इस नोड पे इक्वेशन क्या है, करंट आई ए एंटर हो रहा है तो लीफ क्या होगा, माइनस आई ए,
और यहाँ पे इसने नाम दे दिया। आई सजेस्ट कि आप नाम ना दें, आप सिर्फ क्या करें डायरेक्टली ओम्स ला लगाएं। लेकिन हम इसको देख लेते हैं, इनकेस ये आई वन आ रहा है सो ओके आ रहा है, लीव कर रहा है, आई टू लीव कर रहा है सो आई टू इज लीविंग। ठीक है, ये हो गया नोड एट के वी है एट सो किसी एट नोड वन। अब ओम्स ला लगाएंगे तो ये आई ये एंटर होता लीव किया माइनस आई ए वी वन बाय आर वन वी वन माइनस वी टू बाय आर टू, जैसे आप देख सकते हैं ये सिमिलरली ओके मैं रीड कर देता हूँ। ये क्या द फॉर्मल मैनिपुलेशन ऑफ इक्वेशन मे बी सिंपलर इफ वन यूज कंडक्टेंसेस इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो ये आप तक है कि आप कंडक्टेंस यूज करते हैं रेजिस्टेंस। ओके सो आप नोड बी पे आप देख लें कि ये डायरेक्टली कह रहे हैं कि नोड टू पे जाएं तो वी टू माइनस वी वन डिवाइड बाई आर टू होगा, तो वन ओवर आर टू इज एक्चुअली इस करंट को अगर मैं इस नोड पे हूँ एट नोड टू तो आप क्या लिखेंगे वी टू माइनस वी वन डिवाइड बाई आर टू, तो आर टू क्या है वन ओवर आर टू इज जी टू। सिमिलरली ये वाला करंट जो है वो लीव कर रहा है प्लस आई वी प्लस वी टू बाय आर थ्री और वन ओवर आर थ्री इज एक्चुअली जी टू, तो वी टू भाई ये इसने करंट की डायरेक्शन इस जो इसने सेलेक्ट की हुई इसके लिहाज से रखा है। लेकिन मैंने कहा है कि हमने इन करंट्स को नहीं देखना, हमने क्या करना है प्लस लिखना है, तो लिहाजा जब हम इसका कंडक्टेंस मालूम करेंगे तो जी टू आएगा और वी टू माइनस वी वन आएगा। सो लिहाजा यू स्टिक टू माई नोटेशन और एक्चुअली बुक में भी सारी प्रॉब्लम इसी तरीके से है। एक दफ़ा उसने दिखाए कि ये कैसे करना है, लेकिन आप जो ये वाला मेथड है लीविंग करंट्स वो अज्यूम करें। मैं अब इसमें खुद लिखता हूँ इसके पता नहीं इसने क्या लिखा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे इस नोड वी वन पे के सी एल एट नोड वी वन माइनस आई वन लीव करे तो ये आई वन ही होगा और ये एक्चुअली सॉरी ये एक नोड है और ये भी एक नोड है। अगर मैं इस नोड पे एक इसको भी नोड तसव्वुर करके लिखता हूँ तो मुझे फिर ये एक और वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा वी इसको वी नॉट कह देते हैं। सो फर्स्ट करें इन जनरल के सी एल एट वी नॉट आई वन लीव कर रहे और राइट साइड भी करंट किया जा रहा है प्लस वी नॉट माइनस वी वन ओवर आर वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आ जाए वी वन पे सो वी वन माइनस वी नॉट और आर वन आप लिख सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली ये आई वन है तो आप डायरेक्टली आई वन लिखेंगे और ये वाला करंट प्लस वी वन ओवर आर टू ये वाला करंट जितने करंट जा रहे हैं सारे सम करने हैं हमने प्लस वी वन माइनस वी टू ओवर आर फोर और प्लस ये ऊपर भी करंट जा रहा है इसके और जस्ट नोट के दरमियान प्लस वी वन माइनस वी टू ओवर आर थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो चार करंट थे एक दो तीन चार, चूंकि इसका करंट इसके करंट के बराबर है मैं यहाँ से देख भी सकता हूँ कि आई वन किसके बराबर है वी नॉट पे आई वन था ये माइनस यानी ये फ्लिप हो जाएंगे साइन वी वन माइनस वी नॉट डिवाइड बाई आर वन। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप आई वन ना लिखें तो आप क्या लिखेंगे वी वन माइनस वी नॉट बाई आर वन दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस नोट वी वन माइनस वी नॉट और वो एक्चुअली आर वन के ही बराबर है। तो आपकी मर्जी आप आई वन लिखते हैं या वी वन माइनस वी नॉट बाई आर वन दे आर बोथ सेम। सिमिलरली के सी एल एट वी टू आई टू एंटर हो रहा है तो माइनस आई टू लीव करेगा, अजम्पशन ये है कि सारे करंट लीव करें सो वी टू माइनस वी वन ओवर आर थ्री, चूंकि अगर ये सारे करंट लीव करें तो करंट हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, इसका मतलब वी टू सारे वी टू इज ऑलवेज एट अ हाई पोटेंशियल व्हेन यू आर एट नोड टू प्लस वी टू माइनस वी वन बाय आर थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो इक्वेशंस नहीं और दो अननोन है तो इसलिए ये आप सॉल्व कर लेंगे। ये एक और प्रॉब्लम है, इसको अगर आप नोडल इक्वेशन आप इस पर लगाएंगे तो ये नोड एक ही नोड है एंड कंडक्टर से एक्सटेंड हुई है यहाँ पे भी, तो आप यूं भी कर सकते हैं और एक नोड ये तो आप यूं कह सकते हैं कि ये और एक नोड ये, तो इनमें से एक ग्राउंड चुननी है चूंकि इसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो डायरेक्टली आप सी को ही चुन लें।
तो अब आपने बी और ए पे नोडल इक्वेशन लिखनी है, तो मैं कहता हूँ के सी एल एट नोड बी। तो यहाँ पे देखिए करंट ये लीव कर रहा है, सो इसका नाम कुछ नहीं दिया हुआ, तो आपने क्या करना है, जो नोड है इस नोड के वाले वोल्टेजेस बीच में लिख दें, वी बी ओवर एट क्या हो जाएगा प्लस ए करंट, ये लीव करना चाहिए तो ये एंटर हो रहा है, तो लीव क्या करेगा -15, और एक करंट ये लीव करना चाहिए प्लस वी बी ओवर 2K। सिमिलरली नीचे आ जाए, ऑब्वियसली आप 8K से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सिंप्लीफाई करने के सी एल एट नोड ए, ये करंट लीव कर रहा है वी ए ओवर 2K प्लस वी ए ओवर 8K, और ये लीव कर रहा है, सो ये एक्स 15 मिली है, इजिकल 0। तो दो अननोन्स हैं और दो इक्वेशंस हैं, आप इनको सॉल्व कर लें, यू विल फाइंड दी नोड वोल्टेज वी ए एंड बी, फिर जो कुछ पूछा हो फिर आपने उसके बाद मालूम करना है। तो दो तरतीब से लिखेंगे, वी वन और वी टू वेरिएबल्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे, और ये 1/4 के यहाँ पे आ जाएगा, 1 -1/6 के यहाँ पे आ जाएगा, -1/6 के, 1/3 के, और फिर ये राइट साइड के जो है वो अननोन्स यहाँ पे आ जाएंगे। सो आई विल नॉट सजेस्ट दिस मेथड हियर, इन दिस केस आई विल गो फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड, दैट वुड बी एक इक्वेशन में से एक अननोन को अकेला करें, उसको दूसरे में इंसर्ट कर दें, ये भी आप देख सकते हैं, इस मेथड से हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें, बल्कि वही मेथड हुआ है, अगर आप कलर्स को देखें तो ये वी वन नोड है, तो इसमें एक करंट ये जा रहा है, एक करंट ये जा रहा है, ये नोड ये एक ही नोड है, वी वन ये है, ये वी टू है, और ये वी थ्री है, और ये वी फोर जो इसलिए ग्राउंड है। तो अगर आप इसको, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ये वी वन पे एक करंट क्या जा रहा है, ये लीव करना चाहिए, तो यहाँ पे आइए सोर्स करंट में लीव क्या करेंगे, माइनस आइए वी वन बाय, ये नीचे ग्राउंड है तो बाय आर वन प्लस, और ये करंट जा रहा है तो वी, इस नोड का नाम वी वन है, माइनस वी थ्री बाय आर थ्री माइनस, ये क्या किया इसने, वी वन माइनस वी थ्री बाय आर थ्री, अच्छा अगर आप इसको माइनस इसको प्लस करें तो वी वन माइनस ये हो जाएगा, वी वन माइनस वी थ्री बाय आर थ्री, ये भी हमारी कन्वेंशन के मुताबिक इसने नहीं लिखा, इस करंट को इसको वी वन माइनस वी थ्री लिखना चाहिए। सो आप यही लिखें जो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा से, के सी एल एट वी वन माइनस आइए, क्योंकि ये लीव करना देख रहा था मैं, ये हाई पे है ये लो पे है क्योंकि करंट नीचे जा रहा है, प्लस वी वन ओवर आर वन प्लस इस वी वन, और ये साथ वाली जो एडजेसेंट नोड है वी थ्री है, तो वी वन माइनस वी थ्री डिवाइड बाय आर थ्री, तो कितने करंट्स हो गए, एक दो तीन और चौथा ये भी है, तो सम ऑफ ऑल द करंट्स प्लस एक और जो करंट था वो वी वन माइनस वी टू ओवर आर टू इज इक्वल टू जीरो। नीचे साथ वाली पे आ जाएं, के सी एल एट वी टू, यहाँ पे देखें तो एक करंट ये लीव कर रहा है, यानी जिस जब आप इस पीक पे हैं सो यू हैव टू लीव, सो नोड इज लाइक अ पीक, अज्यूम इट लाइक अ पीक, सो वी टू माइनस वी वन बाय, सॉरी वी टू माइनस वी वन बाय आर टू प्लस वी टू बाय आर फोर प्लस वी टू माइनस वी थ्री बाय आर फाइव, सो दिस इज इक्वल टू जीरो, तीन करंट्स हमें लिख दिए। सो के सी एल एट वी थ्री, ये लीव कर रहा है आई वी, सो इट्स पॉजिटिव प्लस दिस इज वी थ्री माइनस वी वन आर थ्री, दो हो गए, और तीसरा क्या है ये लेफ्ट साइड पे प्लस वी थ्री माइनस वी टू डिवाइड बाय आर फाइव इज इक्वल जीरो। तो इस तरीके से ये तीन इक्वेशंस आएंगी, और आप तीन अननोन होंगे, और आप इसको ही फिर फर्दर, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कौन सी चीज़ें किधर जा रही हैं, और मैट्रिक्स फॉर्म में
जो रूम है, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें अगर रो 1 है तो उसके तीन एलिमेंट्स ये और ये उसके रेसिप्रोकल यहाँ पे देखें इसमें आ रहे हैं, तो ये एक्चुअली डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा है, 1/r² माइनस साइन के साथ यहाँ जा रहा है, और 1/-1/r³ यहाँ पे जा रहा है। तो ये कह रहा है कि r1 r2 r3 इसके डायरेक्ट इसी नोड के साथ जो कनेक्टेड है वो रेसिप्रोकल बनाएंगे, पॉजिटिव साइन होंगे। एक ए मैट्रिक्स का ये a1 a1 2 a1 3, ये 1 के साथ अपने ही साथ जितने जुड़े हुए हैं आपस के साथ ही, ये अपने साथ, तो वो r11 है, और 1 और 2 नोड के दरमियान जो है वो ये कॉमन है, और 1 और 3 के दरमियान यहाँ पे आएंगे। इसी तरह इसका दूसरी रो का पहला कॉलम, ये दूसरी रो का दूसरा कॉलम, और दूसरी रो का तीसरा कॉलम। तो दूसरी रो 2 और 1 के दरमियान क्या है, r2, तो 1/r² नेगेटिव साइन के साथ होगा, और 2 के साथ खुद के साथ कितने जुड़े हुए हैं, 2 के साथ एक 2 भी है, r2 r4 r5। अब देखते हैं r1 और इनके रेसिप्रोकल जो है वो सारे ऐड हो रहे हैं, तो ये r22 a22 है। 2 और 3 के दरमियान क्या है, r5 है, तो वो नेगेटिव रेसिप्रोकल r5 यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली आप अगर आप थर्ड, ये एक्चुअली इक्वेशन से डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, आप बाय इंस्पेक्शन भी लिख सकते हैं। ये आ गया थर्ड रो 1 कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो 3-1 क्या है, 3 और 1 के दरमियान क्या है, 3 और 1 के दरमियान जो है वो r3 है, तो इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव, और 3 और 2 के दरमियान क्या है r5, उसका नेगेटिव और फिर रेसिप्रोकल, और 3 और 3 के दरमियान क्या है, ये r5 है r3 है, और करंट सोर्स है वो चूंकि राइट साइड पे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, सो लिविंग पॉजिटिव था राइट साइड पे जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए वो भी आपने देखने के करंट सोर्स है, अगर ये एंटर हो रहा है तो ये नेगेटिव है तो राइट साइड पे जाके देखें पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने वो कॉन्स्टेंट, ये जो सोर्सेस हैं ये आते हैं राइट साइड पे, जो फोर्सिंग फंक्शन भी इसे कहते हैं, वो उनकी तरह आ रहा है राइट साइड पे। तो ये 3-3 में 2 रजिस्टर थे, 5 और 3 इनके रेसिप्रोकल होंगे, और इसके साथ जो है वो चूँकि करंट सोर्स भी है तो राइट साइड पे जाके नेगेटिव साइड होगा। तो अब बाय इंस्पेक्शन भी आप अपनी जो मैट्रिसेस इक्वेशन है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। अब आप इसको इंस्पेक्शन से भी लिख सकते हैं, अब इसकी नोडल इक्वेशन लिखनी है। इट्स अ सिंपल एग्जांपल, दो नोड्स हैं दी हुई हैं और एक ग्राउंड है सेलेक्ट की हुई है, तो KCL एट V1 ये हाई पोटेंशियल पे है या एक पीक पे है, तो यू हैव टू लीव फ्रॉम हियर, सो वी आर लीविंग जितनी डायमेंशन है 1, 2, 3, तो ये 4 मिली एंटर हो रहा है उसे -4 मिली लीव होगा, सो ये लीव होगा तो ऑब्वियसली हाई पोटेंशियल पे, तो V1 नीचे 0 है डिवाइड बाई 6K, -0/6K होगा, V1 -V2 डिवाइड बाई 12K इज इक्वल टू 0। सिमिलरली KCL एट V2, सो V2 -V1 लेफ्ट साइड पे हैं, देखिए जितने करंट्स हैं वो सारे लिखने हैं, V2 -V1 बाई 12K प्लस V2 बाई 6K प्लस 2 मिली इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको LCM से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी इसके LCM से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दो इक्वेशन है दो अननोन मैट्रिसेस फॉर्म में लिखें या सब्स्टिट्यूशन से कर लें। ये भी सिंपल है, इसमें कोई इतना वो नहीं है, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ यहाँ पे, बल्कि लिख देता हूँ KCL एट V1 -2 में प्लस V1 बाई 2K प्लस ये 6 मिली है, V2 पे क्या ये करंट है एक्चुअली, तो माइनस ये 2-6 मिली एंटर हो रहा है तो -6 मिली लीव होगा, नीचे वाला करंट प्लस V2 बाई 6K प्लस V2 बाई 3K इज इक्वल 0। दो क्वेश्चन दो ना आप सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंडेंट सोर्सेज को भी आपने वैसे ही ट्रीट करना जैसे इंडिपेंडेंट सोर्स को ट्रीट किया। डिपेंडेंट सोर्स में अमूमन ऐसा होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो दिखाया होता है, आपने फिर भी इसको नहीं देखना, आपने नोड वोल्टेजेस के लिहाज से जैसे आप पहले काम करते रहे वैसे ही करने, जैसे कि अभी मैं आपको बल्कि लिखता हूँ यहाँ पे KCL एट V1 BI0 इसका करंट प्लस V1 बाय R1 प्लस V1 -V2
0 और KCL एट V2 बाय R3 और ये V2 माइनस V1 बाय R2 और ये वाला करंट जो है वो आई एंटर हो रहा है तो लीफ क्या होगा माइनस आई है इसे बुझे ओके इसमें एक पॉइंट ये है कि इसमें दो अननोन्स तो ये हैं और दो इक्वेशन हैं तो आई एक नया सॉरी आई नॉट एक इसमें अननोन आ गया तो अगर आप आई नॉट को देखें आई नॉट किसी ब्रांच का करंट को आई नॉट क्या है नोड वोल्टेज के हिसाब से देखें V2 ओवर R3 तो आप आई नॉट की जगह V2 ओवर R3 लिख सकते हैं यहाँ पे V2 ओवर R3 और साथ बीटा है तो बीटा V2 ओवर R3 बीटा गिवन होगा तो आपके पास अब दो इक्वेशन दो अननोन है तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इस चीज़ को याद रखें जैसे ये है इस पर लिख लेते हैं V1 पे KCL एट V1 V1 बाय R3 नीचे वाला करंट है राइट साइड वाला V1 माइनस V2 ये करंट एंटर हो रहा है तो लीफ क्या होगा माइनस आई है तीन ही करंट है इस नोड पे तीन पे आ जाए एच V2 लेफ्ट वाला करंट है V2 माइनस V1 R1 प्लस अल्फा Vx नीचे जो है लीव कर रहा है राइट साइड वाला प्लस V2 माइनस V3 ओवर R2 और ऊपर भी एक जा रहा है IA लीव कर प्लस IA इज इक्वल टू 0 तो ये नोड V2 पे होगा KCL एट V3 R4 में जो करंट जा रहा है वो क्या है V3 ओवर R4 प्लस IB एंटर हो रहा है तो माइनस IB लीव होगा और V3 माइनस V2 ओम्स ला करंट लिखना है हमने V3 माइनस V2 ओवर R2 इज इक्वल टू 0 तो तीन इक्वेशन तीन अननोन है एक जो एडिशनल हमारे पास वेरिएबल्स हैं मैं उनको आइडेंटिफाई कर लेता हूं एक IA है जैसे कि IA की तरह इस सोर्स का करंट है ये तो चलेगा कांस्टेंट होगा डिपेंडेंट सोर्स का जो Vx है वो हमने देखना है Vx यहाँ इन्वॉल्व है तो ये एडिशनल वो है अननोन है तो IA एक्चुअली अननोन नहीं है क्योंकि वो करंट सोर्स की करंट है तो ऑब्वियसली एक अननोन ये एडिशनल अननोन है तो हमने क्या करना है इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेज तो वो नोड वोल्टेज क्या है Vx इज इक्वल टू जो पॉजिटिव पे जो वोल्टेज है क्या है V2 माइनस जो नेगेटिव पे वोल्टेज V3 Vx इज इक्वल टू V2 माइनस V3 तो आप यहाँ पे अल्फा इंटू V2 माइनस V3 लिख देंगे अल्फा वुड ऑल्सो बी गिवन तो ये आपका फिर दो इक्वेशन दो अननोन आ जाएगा फाइन नोड वोल्टेजेस तो आप चूंकि इसमें गिवन है वैल्यूज तो हम डायरेक्टली लिखते हैं KCL एट V1 4 मिली एंटर हो रहा है तो माइनस 4 मिली लीव होगा प्लस V1 बाय 10 के प्लस V1 माइनस V2 बाय 10 के ये KCL हो गया इज इक्वल टू 0 इसको मैं 10 के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दिस वुड बी 40 माइनस 40 राइट साइड में जाएगा प्लस 40 10 10 से कैंसिल हो गया V1 प्लस V1 माइनस V2 2V1 माइनस V2 सो दिस इंप्लाइज 2V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 40 ये एक इक्वेशन आ गई KCL एट V2 2I0 लीव कर रहे V2 बाय 10 के लीव कर रहे फिर V2 माइनस V1 ओवर 10 के ये लीव कर रहा है दिस इज इक्वल टू 0 अब आपने क्या करना है इसको 10 के से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपके पास आ जाए अच्छा ओके I0 यहाँ पे अगर आप देखें सो स्ट्रेंजर इज दिस I0 I0 को आपने नोड वोल्टेजेस में देखने कहाँ पे I0 ये है I0 ये है I0 को मैं इन टर्म्स एक्सप्रेस करूँगा इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेजेस तो ये आ जाएगा 2 I0 इज इक्वल टू V1 ओवर 10 के
प्लस बाकी यहाँ पे मैं साथ में, सो यहाँ पे वी वन ओवर टेन के प्लस वी टू ओवर टेन के प्लस वी टू माइनस वी वन ओवर टेन के इज इक्वल टू जीरो। अब आप टेन से दोबारा इसको मल्टीप्लाई करें, अब सिंप्लीफाई करता हूँ, टेन टेन से कैंसिल हो गया, टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी टू माइनस वी वन इज इक्वल जीरो। सो दिस इज इक्वल टू टू वी वन और माइनस वी वन इज इक्वल वी वन और प्लस टू वी टू इज इक्वल जीरो। तो दूसरे क्वेश्चन आ गई जी, वी वन प्लस टू वी टू इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करने, तो ये चूंकि सिंपल है तो इसको मैं टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये इसका नाम दे देता हूँ, ये ए है ये बी है, तो मैं बी को टू से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आई गेट टू वी वन प्लस फोर वी टू इज इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या करता हूँ, ये बी वन इक्वेशन है क्योंकि बी से आई है, और बी वन को और ए को ऐड कर देता हूँ, तो सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इसे कहता हूँ कि ए माइनस बी वन, तो ये माइनस साइन इसके साथ लगेगा तो ये आ जाएगा जीरो, माइनस साइन इसके साथ लगेगा तो माइनस फाइव वी टू इज इक्वल टू फोर्टी, सो वी टू इज इक्वल टू माइनस एट, सो वी टू इज इक्वल टू माइनस एट, माइनस एट वी टू आ गया, तो किसी एक इक्वेशन में डाल देता हूँ वी टू, सो टू वी वन माइनस माइनस एट इज प्लस एट इज इक्वल टू फोर्टी, तो ये मैंने इसमें डाला है ए में, तो ये आ गया टू वी वन इज इक्वल टू थर्टी टू और वी वन इज इक्वल टू सिक्सटीन, वी वन इज इक्वल टू सिक्सटीन। तो अब जो कुछ भी मालूम करना है, आई नॉट मालूम करना, तो सिक्सटीन ओवर टेन के इज एक्चुअली 1.6 मिलियन पे, दिस वी वन इसके क्रॉस वी वन है क्योंकि 16 है डिवाइड बाई 10 के, सो दिस इज 1.6 मिली एम्पियर। और अब आपने कुछ और भी मालूम करना हो मालूम कर सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस 10 के क्या है, वोल्टेज अक्रॉस 10 के इज इक्वल टू 16 माइनस माइनस 8 इज इक्वल टू 24 वोल्ट्स, यहाँ पे 24 वोल्ट्स है। और फिर आपने करंट मालूम करना है तो ओम्स ना लगाएंगे तो 2.4 मिली एम्पियर इधर राइट मूव कर रहा है। सिमिलरली 1.2 को 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करने के तो 3.2 मिली एम्पियर इस करंट सोर्स से फ्लो कर रहा है। ये एक नोड है, ये एक नोड है और नीचे ग्राउंड नोड एक्चुअली दी हुई है, तो ये नीचे वाली ग्राउंड है, तो इसका नाम वी एक्स, ये कह रहा है कि इस नोड पे जो वोल्टेज है, और इसका नाम है वी वन देखता हूँ, वन के यूज तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो वी वन रख लेता हूँ उसका नाम। और इसने कहा वी नॉट मालूम करें, तो अगर आप देखें तो वी नॉट इज एक्चुअली इक्वल टू वी वन, तो बजाय इसके कि मैं इसको नया नाम दूँ, दे भी सकता हूँ आप, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाएगी, आप डायरेक्ट इसका नाम बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन आप इसका नाम वी नॉट रखते हैं, क्योंकि इसके और इसके दरमियान वोल्टेज वी नॉट है, तो ये एक्चुअली यहाँ से नजर भी आ रहा है। तो मैं लिखता हूँ के सी एल एट एक्स नोड वी एक्स, तो माइनस टू मिली क्योंकि एंटर हो रहा है, लीव माइनस टू मिली, और ये वाला जो करंट है प्लस वी एक्स ओवर थ्री के, ये करंट है थ्री के में, और ये जो है प्लस वी एक्स ओवर सिक्स थाउजेंड सिक्स के इज इक्वल टू जीरो। के सी एल एट आउटपुट लिखते हैं, माइनस वी एक्स ओवर सिक्स के और वी नॉट ओवर ट्वेल्व के, वी नॉट ओवर ट्वेल्व के, इसको आप इज इक्वल जीरो, सो इसको ट्वेल्व के से मल्टीप्लाई कर दें, इसको सिक्स के से, तो आपके पास आ जाएगा सिक्स टू जार ट्वेल्व, तो ये राइट साइड पे जाएगा प्लस ट्वेल्व हो जाएगा, और थ्री टू जार सिक्स टू वी एक्स और थ्री वी एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व और वी एक्स इज इक्वल टू फोर। यहाँ पे ट्वेल्व से मल्टीप्लाई की तो माइनस टू वी एक्स प्लस वी नॉट और वी नॉट ऐड हो जाएंगे, ट्वेल्व ट्वेल्व कैंसिल हो जाएगा, तो बार वाले से
तो यहां से हमें पता चल गया 2v नॉट इज इक्वल टू 2vx, मतलब है कि v नॉट इज इक्वल टू vx एंड v नॉट इज आल्सो इक्वल टू 4 वोल्ट्स। तो अब आपने करंट मालूम करना है इस ब्रांच का, तो v नॉट 4 वोल्ट्स है, तो इसका मतलब है इस यहां पे भी 4 वोल्ट्स है, यहां पे भी 4 वोल्ट्स है, तो 1/3 मिली एम्पीयर इधर जा रहा है, 1/3 मिली एम्पीयर इधर जा रहा है, और ये जो नोड अंदर छुपी हुई है जो मैंने इस सर्कल के अंदर कर दिया, तो इधर आप करंट इस ब्रांच में यानी इस कंडक्टर में कितना करंट जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, केसीएल लगा सकते हैं। Vx मालूम है 4 है, 4 बाई 6 के इज 2/3 मिली एम्पीयर, ये और आप यहाँ पे केसीएल लगा के इस ब्रांच का भी करंट मालूम कर सकते हैं, वो एक्चुअली 1/3 मिली एम्पीयर ही होगा क्योंकि इस ब्रांच में करंट तब्दील नहीं हो सकता। अब एक और प्रॉब्लम देख देते हैं, ये नोड वोल्टेज इज गिवन है, मैं देखता हूँ कि मैं नोड वोल्टेज कौन सी है, ये जीरो है तो ये जीरो नीचे है, नेगेटिव हमने कहा था नीचे है, तो नीचे से आप कितना ऊपर जाए 12, तो वी वन हो जाएगा 12। तो इस पे चूंकि ये मालूम हो गया इसलिए आप इस पे नोड वोल्टेज लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर है, सो अगर आप ग्राउंड पे हैं या जीरो पे हैं तो नेगेटिव वन नीचे जाए तो कितना जाए 6 नीचे जाए, तो क्या -6। रियल लाइन की एग्जांपल दे नहीं, रियल लाइन में ये जीरो है और ये आप थर्मामीटर भी अज्यूम कर सकते हैं, ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज है नीचे नेगेटिव, -1 है ये +1। तो मैं जीरो पे हूँ, तो नीचे जाने का मतलब क्या है, -1 -1 -1 -1 -6। जीरो पे हूँ तो ऊपर जाऊँ +1 +2 +3 +12, यहाँ पे इस तरह। लिहाजा अब ये प्रॉब्लम आसान है, के सी एल एट वी टू, वी टू -12 डिवाइडेड बाय 12 के प्लस वी टू बाय 6 के प्लस v2 minus v3 क्या -6, तो ये +6 हो जाएगा, डिवाइड बाय 12 के इज इक्वल टू 0। तीन करंट है 1 2 3, तो अब आप 12 के से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया v2 minus 12 प्लस 2v2 प्लस v2 plus 6 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4, 4v2 इज इक्वल टू 12, उधर चला जाए 12 -6 इज -12 + 6 इज -6 और +6, वी टू इज इक्वल टू 6/4 3/2 1.5, तो ये 1.5 है। तो अब आपने जो भी मालूम करना करें, ये अगर ये करंट मालूम करना है तो 1.5/6 किलो हो जाएगा, ये करंट राइट साइड पे मालूम करना है तो 12 -1.5/12 के हो जाएगा, V2 जो है वो 1.5, ये वाला करंट मालूम करना है तो 1.5 -6 -6 यानी 1.5 + 6 12 हो जाएगा, ये करंट मालूम करना है तो 12 -6 इज 12 + 6 डिवाइड बाय 9 के। ये प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ, सुपर नोड अभी हमने किया नहीं है लेकिन हम नोड आइडेंटिफाई है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट। इस पे अगर आप V1 पे अगर आप KCL लिखते हैं तो 6 मिली एंटर हो रहा है, KCL एट V1 -6 मिली हो जाएगा, लीव करेगा, सो V1 by 6 के, चूंकि हम करंट सेट करें तो यहाँ जो करंट है ये हमें नहीं मालूम, तो हमने कहा था कि ये हम अज्यूम कर लेंगे हमेशा, अगर जो भी डायरेक्शन आप रखें इसका एक नाम भी रखें, वो नाम ऐसा हो कि जो पहले यूज ना हो, तो इसको आप एक्स कह दें, 1 कह दें, 3 कह दें, जो भी कह दें, ये लीव कर रहे तो प्लस आई एक्स इज इक्वल टू 0। V2 पे आ जाए, V2 by 12 के प्लस 4 मिली लीव कर रहे, और यहां पे जो करंट जा रहा है वो लीव हमने देखने तो आई एक्स सेंटर हो रहा है, तो -ix लीव हो रहा होगा, तो ये ए है ये बी है। अब आप देखें कि हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो अगर आप इसको देखें तो सॉरी तीन अननोन है, सो थ्री अननोन, कैसे, एक v1 और v2 अननोन है और ना साथ एक नया अननोन है, सो दिस हैज
कॉन्सिक्वेंस वो ये है कि हम ए और बी को ऐड करें तो क्या आता है माइनस सिक्स मिली प्लस वी वन बाई सिक्स के प्लस आई एक्स और माइनस आई एक्स कैंसिल हो जाएगा प्लस वी टू ओवर 12 के प्लस 4 मिली जीरो। इसका मतलब है कि वी वन इसको मैं पूरी इक्वेशन को 12 के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साथ सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ। माइनस सिक्स प्लस टू इज एक्स बी माइनस टू, माइनस टू इंटू 12 इज माइनस 24, राइट साइड पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 24। सिक्स टू जार 12, टू वी वन प्लस 12 12 से कैंसिल हो गया प्लस वी टू इज इक्वल 24। टू वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू 24। अब इशू ये है कि हमारे पास दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाएं। दूसरी इक्वेशन अगर आप देखें तो नोड वोल्टेज है, इसका हमें पता है कि 6 वोल्ट है, तो इसका मतलब है वोल्टेज अक्रॉस एन एनी एलिमेंट इज इक्वल टू वोल्टेज एट इट्स प्लस टर्मिनल माइनस वोल्टेज एट नेगेटिव टर्मिनल। वोल्टेज एट एलिमेंट इस केस में वोल्टेज सोर्स है, तो ये क्या 6 वोल्ट है, इसके वी प्लस क्या है वी वन और माइनस वी टू नेगेटिव पे क्या है वी टू। तो ये दूसरी इक्वेशन है वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू 6। तो इसको क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 3v1 इज इक्वल टू 30 एंड v1 इज इक्वल टू 30। तो v1 30 आ गया, तो v1 30 आ गया, तो v2 क्या हो जाएगा, v2 इधर ले आए 6 माइनस या 30 माइनस 6 इज इक्वल टू, या डायरेक्ट भी कर सकते 30 है ऊपर है आप 6 नीचे जाते हैं, माइनस का मतलब है 6 नीचे जाते हैं तो 24 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आप कर सकते हैं कि आपने v2 मालूम करना है, तो v2 इज इक्वल टू v1 माइनस 6, v2 इज इक्वल टू v1 विच इज इक्वल टू 30 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 24। तो ये आ गया 24। तो अब आपने जो कुछ भी मालूम करना है, इस ब्रांच में करंट है तो 24 ओवर 12 के, इस ब्रांच में करंट मालूम करना है तो 30 ओवर 6 के, और आप KCL KVL वेरीफाई कर सकते हैं।